रोल कर ले, छोड़ दो। आज जो निर्णय, आज जो मुलाकात थी, क्या कुछ मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर? प्रदेश के अंदर सोशल हार्मनी बनी रहे, प्रदेश की सुरक्षा, क्योंकि एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर गंभीर तौर पर हम सबको मिलकर प्रदेश की सोशल स्ट्रक्चर को मजबूती से हम कैसे आगे लेकर जाएं, इसके ऊपर पहले भी चर्चा हुई। और आज इस तरह का एक बैलेंस वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसके अंदर दोनों पक्षों को जहां अधिकार मिले। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तौर पर ठीक है, और आगे भी प्रदेश का एक एक व्यक्ति इसी तरीके से सोशल हार्मनी को मेंटेन कर आगे ले जाने का काम करें। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जो आज हुए? मैं ये मानता हूं कि बहुत लंबे समय से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा था, और उसके ऊपर जिस तरह का बैलेंस्ड सर्वसम्मति से जजमेंट न्यायाधीशों ने दिया है, देश के अंदर सोशल हार्मनी मजबूती से बरकरार है। आप लोगों की मुलाकात किस विषय पर थी, क्या मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात? 15 दिन पहले सबसे जरूरी चीज प्रदेश की सोशल हार्मनी, और प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी घटना ना हो, मुझे लगता है सरकार का निर्णय सबसे पहला वो होता है। मंत्रिमंडल पर विस्तार होगा, जब होगा आपको बुला लिया जाएगा, मगर आज जहां कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखना हमारी प्राथमिकता है एज एन स्टेट, और उसके साथ साथ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट प्राणी के परचेज पर भी आई थी, उसके ऊपर भी जो विषय थे उसके ऊपर चर्चा।